सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचनएट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुरती पापड़ी की कचौरी, तो फिर चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। यहाँ मैंने सुरती पापड़ी ले ली है, जिसे कहीं कई जगहों पे सेम या फिर पावटा या पोपट नाम से भी जाना जाता है। इनके दाने मैंने यहाँ निकाल लिए हैं। अब इन दानों को धो के कुकर में मैं 2 से 3 सीटी तक पका लूंगी। जब तक ये दाने कुकर में पक रहे हैं, हम कचौरी बनाने के लिए उसका आटा लगा लेते हैं। डो बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल करूंगी। मैदा मैंने यहाँ पहले से ही छान के इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ स्वादानुसार हम यहाँ नमक का भी इस्तेमाल करेंगे और मैं यहाँ 1/2 टीस्पून के लगभग अजवाइन भी मिला रही हूँ। और साथ ही में हमने यहाँ 5 चम्मच तेल का भी इस्तेमाल करना है, जो कि इसमें मोहन का काम करेगा। आज की रेसिपी में हम जो जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, उसकी डिटेल लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। अब हम सबको यहाँ सबसे पहले सूखा ही मिक्स कर लेंगे। इस समय हम हाथों की सहायता से मसलते हुए तेल को मैदे में अच्छे से लगा लेंगे। तेल जहाँ अच्छे से लगेगा तो कचौरियाँ भी परफेक्टली खस्ती बनेगी। इस कंसिस्टेंसी का आते तक हमें तेल को मैदे में मिला लेना है। यहाँ परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी मिलाते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। कचौरी का डो भी यहाँ रेडी हो गया है, तो इसमें मैं 1 चम्मच तेल लगा लूंगी और एक बार फिर से इसे गूथ लूंगी और 15 से 20 मिनट तक हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमने जो पावटा कुकर में कुक होने के लिए रखा था, वो परफेक्टली कुक हो गया है। आप देख सकते हैं, मगर इन दानों को दबा के दिखा रही हूँ तो दाना भी एकदम परफेक्टली दब रहा है। अब इसी समय मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा मिला लूंगी और साथ ही में मैंने 3 हरी मिर्ची ली है। अब इन सबको हम मिक्सर में पीस लेते हैं। यहाँ हमारी पावटा की स्मूथ पेस्ट अभी तैयार हो गई है। मैंने इस समय 3 ही मिर्ची मिलाई है। अगर आप चाहें तो कम या ज्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए कचौरी का हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल जैसे गरम हो गया है, मैंने इसमें 1/2 चम्मच राई के दाने भी डाल दिए हैं और 1/4 चम्मच मैं यहाँ हींग भी डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं कुछ 1 मिनट तक भून लूंगी ताकि इसका कच्चापन यहाँ चला जाए। अब इसी समय मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर भी मिला लूंगी और साथ ही में मैं यहाँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया पाउडर भी मिला लिया है। इन सबको भी फिर से एक बार हम लोग 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। जैसे ही ये सब अच्छे से भुना जाएगा, हम इसमें पावटा की स्मूथ पेस्ट भी मिला लेंगे। अब इस पावटा की पेस्ट को हम सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो पावटा में परफेक्टली लग जाए। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर भी मैं इस समय मिला रही हूँ। इन सबको भी हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और खट्टेपन के लिए मैं 1/2 चम्मच के करीब इसमें आमचूर पाउडर भी मिला रही हूँ। और इसी के साथ लगभग 1/2 चम्मच मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी मिला रही हूँ। इन सबको भी फिर से हम एक बार मिला लेते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि है नमक, वो भी हमें इसमें मिला लेना है, जो कि आप अपने स्वादानुसार यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे पकाते पकाते आपको इतना गाढ़ा कर लेना है ताकि इसमें जो भी पानी है वो पूरा सूख जाए। इसे पकाते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं। पावटे में जो भी पानी था वो भी यहाँ सूख चुका है। एकदम हमारे आटे जैसा यहाँ इसका एक डो तैयार हो गया है। अब इसी समय मैं इसमें कुछ हरे धनिया के पत्ते भी मिला लूंगी और इसे भी हम यहाँ इस फिलिंग में मिला लेते हैं। यहाँ हमारा पावटा की कचौरी में भरने के लिए फिलिंग तैयार हो गया है। अब इस फिलिंग को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे कंप्लीट ठंडा भी कर लेते हैं। जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही हम कचौरी बनाना शुरू करेंगे। इस कचौरी के आटे को रेस्ट करते हुए लगभग अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आटा भी परफेक्टली सेट हो गया है, तो चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। कचौरी की फिलिंग भरने के लिए मैंने एक लोई ले ली है और उसे उंगलियों की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए मैं उसको राउंड शेप दे दूंगी और बीच में से हम थोड़ा सा इसमें छोटा सा होल भी रखेंगे ताकि हम इसमें स्टफिंग भर सके।
अब देखिए मैं यहाँ इसमें अभी स्टफिंग भी भर रही हूँ। कचौरी को भरते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि कचौरी ओवर स्टफ ना हो जाए, अदरवाइज जब हम इसे तलेंगे तो सारा मसाला तेल में बाहर निकल आ जाएगा। यहाँ हमारा स्टफिंग भी भरा जा चुका है, तो बस अब हम इसे गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। स्टफिंग भरने के बाद हम इसे कचौरी का शेप भी दे देंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कचौरी का परफेक्टली शेप आ गया है। अब हम इसे तल लेते हैं। तलने के लिए मैंने यहाँ तेल गरम करके रखा है और अभी एक एक करते हुए मैं सारी कचौरियाँ तेल में तलने के लिए डालूंगी। तलते हुए हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि कचौरी अच्छी खस्ती बन पाए। इन सारी कचौरियों को आपको गोल्डन ब्राउन कलर का आते तक तल लेना है। बीच बीच में आप इन्हें पलटते हुए दोनों साइड से भी तल लीजिएगा। अगर इस समय आप देखेंगे तो कचौरी दोनों साइड से अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है और एकदम फुली फुली सी भी हो गई है। तो यहाँ मेरा पहला बैच अभी रेडी हो गया है। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और इसी तरीके से सारी कचौरियाँ भी अभी आगे तल लूंगी।